बिल्कुल प्रियंका, देखिए हम इस वक्त मौजूद है मिर्जापुर, एक गांव है, छोटा सा गांव है और यहां पर सीएम नायब सैनिक का पैतृक गांव है और यहीं पर आपको बता दें कि वोट कास्ट करने शुरू करें। दुष्यंत जी, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ। तो दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण हरियाणा में बदले चंद्र प्रकाश जी, उसके बाद उनकी पार्टी अध्यक्ष का छोड़कर के उन्हें चले जाना, विधायकों का छोड़कर के चले जाना और इस चुनाव में उनका आजाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना, फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें हैं इस चुनाव में जो हम मतलब उसको देखें, लेकिन कि छोटे दलों की क्या भूमिका है उसमें बहुत ज़्यादा हम पढ़ के कुछ मिलना नहीं है, किसने क्या किया, कौन छोड़ के गया, ये चुनाव से पहले ये सब रीशफल होता रहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, बार बार महिला सम्मान हमारे जो कांग्रेस के पक्ष में जो बात कर रहे हैं हमारे मित्र, वो कह रहे हैं महिला सम्मान, जिस ये फोगाट विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट के लिए सम्मान के लिए मोदी जी ने हरीश सालवे को वहाँ पर भेजा था, अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी अपीलेट थी उसमें उन्होंने पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी के पास भी तो ये कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, इन्होंने क्यों नहीं भेजा था? तो महिला सम्मान की लड़ाई लड़ कौन रहा था? आज वो ठीक है, टिकट लेके लड़ रही हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ये इस चुनाव में हमें समझना होगा कि ये जो जंतर मंतर पे तमाशा पिछले सर्दियों में हमने देखा था, वो इस चुनाव का रनअप था। पोल खुल चुकी है, जनता देख रही है, वो सब मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं, कौन कहां गया, कौन क्या गया, कैसे गया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट आज के समय में यही है कि उसके पिछले कार्यकाल के जो कुकृत्य हैं वो लोगों को याद आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है दलित। देखिए, ये तो 8 तारीख को ही फैसला होगा कि जनता को क्या याद है और क्या वो एकदम नया बिल्कुल तैयार करने के मूड में है। लेकिन कोमल भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है फरीदाबाद से। कोमल, वहां पर आसपास कुछ लोग भी हैं आपके साथ, उनसे भी जरा बात कीजिएगा और पूछिएगा कि किस मुद्दे पर आज मतदान के लिए उन्होंने मूड बनाया है, क्या बदलाव होगा इस बार या फिर बीजेपी की हैट्रिक की तैयारी है। देखिए, सबसे पहले आपको मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, लोगों के यहाँ पे लगातार पहुँचने का सिलसिला जारी रहा है। यहाँ पे कई महिलाएं भी पहुँची और सबका यही कहना है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद फिर जलपान। लोग यहाँ पे पहुँचे थे, लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर हम बूथ की ही बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हम दिखा दें, लगातार यहाँ पे जो है केंद्र सशक्त बलों की तैनाती कर दी गई है और लोग जो है वोट दे करके अंदर से चूंकि बाहर निकल रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे आप वोट देकर के बाहर निकल रहे हैं, मुद्दे क्या थे, उम्मीदें क्या होती है एक वोटर को? मैम, सबसे पहले जो उम्मीद होती है ना, वे होती है राष्ट्र की सुरक्षा, और दूसरी होती है बीजेपी का वोटर कि हर आदमी निर्भय होके भय रहित रह सके। मैंने उसी मुद्दे पर वोट दिया है और मैं चाहता हूँ कि एक बार दोबारा 10 साल से बीजेपी थी यहाँ पे, कांग्रेस ने भी पूरी मतलब जोर लगा दी है, आपको एज अ पार्टी किसे देखना पसंद करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को देखना पसंद करूंगा क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है और वे निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं दोबारा चाहता हूं कि और भी वोटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, आप यहां पे पहुंचे हैं, क्या कुछ उम्मीदें होती हैं आप लोगों की? देखिए, उम्मीद जो होती है हमारी, सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा है और हमारी सुरक्षा तभी है जब हमारे देश की सुरक्षा है, हमारा राष्ट्र विकास करेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा है कि हमारा देश ने बहुत विकास किया है, बहुत तरक्की करी है, जो ऑटोमेशन हुआ है चीज़ों का, जो भ्रष्टाचार जो है वो पहले से तो काफ़ी कम ही हुआ है, पहले जितने भ्रष्टाचार हो रहे थे आज के समय कम से कम वो नहीं हो रहे हैं। तो देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है और हम चाहेंगे कि ये ऐसा ही विकास करता रहे, कोई और ऐसी कोई पार्टी। बिल्कुल, मतदाता तो पहुंच रहे हैं और अपने जो मुद्दे हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन कोमल आपने बात की थी कृष्णपाल सिंह गुर्जर से, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं।
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर जी इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वोट देने पहुंचे हैं। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि तीसरी बार भी सत्ता में वापसी कर पाए, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी पूरी जोर लगा दी है। देखिए आज तो सारा काम हो ही जाएगा, वोट डल जाएगा और 8 तारीख को पूरी तस्वीर सामने आएगी। हमको हरियाणा के 36 बिरादरियों के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है और उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी पर है, उनके कामों पर है। तो निश्चित तौर पर हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार जैसे केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमूमन देखा जाता है कि कई जब अगर सरकार की बात कर ले, बीजेपी चूंकि सर दो बार से है, तीसरी बार आने में कई राज्यों की ही बात कर ले तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है और कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार दोबारा से वो सत्ता में वापसी करेंगे लंबे अरसे के बाद। देखिए आप तो कई स्टेट देखेंगे, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप देश में देखिए, 1960 के बाद जब गंगा यमुना में इतना पानी बह गया, 1960 में तीन बार सरकार बनाना बड़ा आसान था क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस का नाम था, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन उसके बाद तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है क्योंकि हरियाणा की 36 बिरादरी जो है उन्होंने मन बना लिया है कि एक बार फिर से, एक बार नहीं बल्कि तीसरी बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाना है।